मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। हम बनाते हैं यहाँ दिल से खाना, उसमें डालते हैं स्वाद का जादू। हमारे किचन में इंग्रेडिएंट्स को बड़े प्यार से मिलाया जाता है और बनाया जाता है बहुत यम्मी रेसिपीज। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक एग्जॉटिक वेजिटेबल लज़ाने। तो ये एग्जॉटिक वेजिटेबल लज़ाने में कैसे बनाया जाता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, ये हम आपको वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे। बहुत हेल्दी है, बहुत यम्मी है और टोटली होममेड है। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बनाते हैं सबसे पहले वेजिटेबल जो कि हम स्टफ करेंगे। इसके लिए हमने लिया है स्लाइस ऑनियन। तो यहाँ पे हमने ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून और उसमें डाल देते हैं ये स्लाइस ऑनियन और तकरीबन 40 सेकंड के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये 40 सेकंड हम इसको सॉटे करते हैं ऑलिव ऑयल में। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नाउ हम इसमें मिलाएंगे गार्लिक। ये 6 से 8 गार्लिक हमने चॉप करके रखा था जिसको हमने ऐड कर दिया। तो इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे और अच्छे से फ्राई करके ये हम तकरीबन 30 से 40 सेकंड और हम इसको भून लेते हैं। तो ये कैरमलाइज हो जाता है थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए कलर भी चेंज हो गया इसका और खुशबू आने लगी है गार्लिक में। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनना जरूरी है। अब हम इसमें मिला देते हैं ये बेबी कॉर्न जो कि हमने कट करके और इसे 2 से 12 मिनट के लिए, तकरीबन 12 मिनट के लिए बॉईल किया था और अब हम इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। बेबी कॉर्न को आप कट कर लें, उसके बाद उसे 10-12 मिनट के लिए बॉईल कर लें। ये भी स्वीट कॉर्न भी हमने ब्लांच किया है तकरीबन 10 मिनट के लिए, तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सारे वेजिटेबल हम ऐड कर रहे हैं, ये रेड बेल पेपर जो हमने चॉप करके रखा था उसको हमने ऐड कर दिया और साथ के साथ हिलाते चले जिससे ये मिक्स होता रहे वेजिटेबल आपस में। नाउ हम इसमें चॉप ब्रोकली मिला लेते हैं, चॉप येलो वेल पेपर। तो ये लाल पीली शिमला मिर्च बहुत अच्छे कलर भी दे देते हैं और प्लस इनमें बहुत विटामिन्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चॉप किए हुए मशरूम। सारी वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होता है तो बच्चों को जरूर खिलाएंगे। तो ये हमने चॉप मशरूम ऐड कर दिया और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना कलरफुल है। तो ये वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होते हैं और ये बच्चों को पसंद भी बहुत आते हैं। तो जरूर बनाएं लज़ाने में ये एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ऐड करके। तो ये हम अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालते हैं तकरीबन 80 ग्राम बटर और इससे इनका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। सो इस बटर को मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये मॉइस्चर का भी काम करता है।
नाउ हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी मिला सकते हैं, हम यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स यूज कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्स जो है इसको बहुत क्रंच जब माउथ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये ब्लांच किया हुआ टोमेटो, ब्लांच करके हमने चॉप किया है, ये चार टोमेटो है। यहाँ पे आप टोमेटो की प्यूरी भी यूज कर सकते हैं या टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसे हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है, हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑरिगेनो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने होममेड बनाया है पनीर यानी छेना। तो ये होममेड छेना से हम बनाएंगे रिकॉटा चीज। तो इसको हमने मैश कर लिया, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही यानी कर्ड और इसको सॉफ्ट कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करके। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ऑरिगेनो। तो ये देखिए सारी चीजें हमने ऐड किया है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा मसालेदार रिकॉटा चीज रेडी है, जिसको हम लेयरिंग में लगाएंगे लज़ाने में। तो इसको मिक्स कर दें अच्छे से, आप चाहें तो एक बार इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है, चलिए डो लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा और उसमें डाल दिया 2 अंडे और सॉल्ट, और इस अंडों से ही ये डो रेडी हो जाएगा, इसमें पानी ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 2 कप मैदा के साथ 2 अंडे मिक्स करें और ये देखिए ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको सबको मिक्स करके हम डो रेडी कर देते हैं, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए डो रेडी है और इसे 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसमें फ्लावर डस्ट करते हैं। इसमें काफ़ी सारा फ्लावर लगता है बिकॉज ये चिपकता है अंडा डालने के बाद। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अंडे की जगह मिल्क मेड यूज़ कर सकते हैं या दूध यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 2 पोर्शन में ले लिया हमने और इसमें डस्ट लगाते जाएंगे और इसको बेल देंगे पतला, बिल्कुल शीट की तरह। तो इसमें डस्ट बहुत ज़रूरी है कि ड्राई फ्लावर आपको ऐड करना होगा काफ़ी सारा। तो ये देखिए तैयार हो गया शीट, इसको हम हमारे जो पॉट हम ले रहे हैं उसकी साइज़ का हम स्क्वायर में कट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम कट कर रहे हैं इस तरह से, स्क्वायर में कट करेंगे हम इसको, क्योंकि हम स्क्वायर पॉट ले रहे हैं जिसमें हम बना रहे हैं लज़ाने। तो उस कैसे बिल्कुल उसकी शेप का आप बना लें जैसा आप पॉट ले रहे हैं। तो देखिए हमने स्क्वायर को 2 पोर्शन में कट किया जिससे ये इजीली बॉयल हो जाए। तो इसे अब हमें 2 मिनट के लिए बॉयल करना, हमने पानी गर्म कर लिया, उसमें डाला सॉल्ट, सॉल्ट के साथ हम उसमें डालेंगे ऑयल। तो ये हम थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं इसमें, और अब हम ये उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए हम डाल देते हैं अपने शीट्स को, लज़ाने शीट्स को, और इसको 2 मिनट तक बॉयल करेंगे। 2 मिनट जैसे ये
अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, पूरी तरह से पक जाएगा और इसको हम निकाल लेंगे और उसे टावल के ऊपर, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो ये 2 मिनट ही बॉयल करना है, उससे ज़्यादा हमें बॉयल नहीं करना है। देखिए ये चिपके नहीं है आपस में, ये बिल्कुल रेडी हो गए 2 मिनट में। इसको हम निकाल लेते हैं टावल के ऊपर, जिससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। और इस तरह से हमने सारी शीट रेडी कर ली। चलिए हम असेंबल कर लेते हैं। ये हमने लिया है पॉट, इसके अंदर सबसे पहले फैला देते हैं हम जो वेजिटेबल हमने रेडी करके रखा है उसे। तो देखिए ये वेजिटेबल्स हमने फैला दिए हैं अच्छे से फर्स्ट लेयर में। देखिए बहुत अच्छे से हम फैला देते हैं इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा रिकोटा चीज। ये होममेड है और बहुत हेल्दी है, बिल्कुल इंस्टेंट हमने बनाया है। और ये लेयर लग गया है, अब इसमें लगाते हैं शीट। अब देखिए हमने इसी की साइज की शीट बनाई है, तो ये शीट हम लगा देते हैं। तो ये पास्ता शीट हमने लगा दी है लज़ानिया शीट लगाने के बाद। अब हम इसमें अगेन ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने प्रिपेयर करके रखा है। तो इसकी लेयर हम लगा देंगे। तो ये फर्स्ट लेयर हमने लगाई, सेकंड लेयर लगा रहे हैं हम। तो 4 लेयर हम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं रिकोटा चीज। नाउ हम मोजरेला चीज, ये मोजरेला चीज भी हमने घर पे बनाया है, तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो इसको हमने ग्रेट कर दिया। अब सेकेंड लेयर में हम अगेन शीट लगा रहे हैं और अब हम थर्ड लेयर एज इट इज हम थर्ड लेयर लगा चुके हैं और शीट को अरेंज कर रहे हैं थर्ड लेयर में भी। तो देखिए इस तरह से हम शीट अरेंज कर रहे हैं। तो हमने ये लेयर्स लगाए हैं, तो 4 लेयर में टोटली हमने लगा लिया। और अब हम इसमें रिकोटा चीज लगा लेते हैं और स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स अच्छे से, जैसा आपको तीखापन चाहिए, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। और हमने ओटीजी को 210 डिग्री पे रीहीट किया। अब हम इसमें थोड़े से प्रोसेस चीज भी ग्रेट कर दिया, सॉल्ट अगेन थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, थोड़ा सा हमने ऐड किया चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर। और ये रेडी है बेक करने के लिए। चलिए हम प्रीहीट हो चुका ओवन हमारा, तो हम उसे 210 पे 25 मिनट्स के लिए लगा दिया हमने। 25 मिनट्स में ही रेडी हो जाएगा हमारा लज़ाने। तो फ्रेंड्स 25 मिनट्स हो चुके हैं और ये लज़ाने देखिए सो यम्मी, वाओ इट्स डिलीशियस। आपको लेयर्स दिखाई दे रहे हैं इनके, बहुत यम्मी रेडी है। 25 मिनट में रेडी हो जाता है ये। तो ये यम्मी लज़ाने देखिए बहुत यम्मी है और बिल्कुल पाइपिंग हॉट है। तो हम इसको कट कर लेते हैं, आपको इसके सारे लेयर्स इजीली दिखाई देंगे। तो ये बहुत यम्मी होता है और हेल्दी भी होता है। तो
देखिए ये लेयर्स, सो यमी, सो डिलिशियस एक्सोटिक वेजिटेबल लज़ाने, जरूर बनाइए और अपने